हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हो गया दोस्तों, हमने एक एयरड्रॉप आपको प्रोवाइड किया था कुछ टाइम पहले गोटली का, जो कि सेम कैटली की तरह है दोस्तों, और इसमें आपको 40 गिफ्ट क्लेम करने के लिए मिलते हैं। तो दोस्तों, अब इसकी जो अपडेट आ रही है कि अब ये इन्होंने इसके कॉइन को कर दिया है लिस्ट, और बहुत ही गजब की इन्होंने अपडेट प्रोवाइड की है। इनके जो यूज़र है वो बहुत ही खुश है दोस्तों, जिन्होंने ज़्यादा कॉइन यहाँ पर अर्निंग कर लिया था। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इनका जो ऑफिशियल अकाउंट है टेलीग्राम, उसमें चलेंगे। अब जो इन्होंने अपडेट प्रोवाइड की है दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे कि इन्होंने कई सारे प्लेटफॉर्म पे इसको लिस्ट करने के लिए कह दिया है, और भी फ्यूचर में करने वाले हैं। अब जो करंट टाइम में इन्होंने लिस्ट कर रखा है वो कहाँ कहाँ कर रखा है, तो आप देखेंगे डेक्स पे इन्होंने इसको लिस्ट कर दिया है सक्सेसफुली, ठीक है। तो आप जो आपके गिफ्ट है उसको, टोकन को पैंक सेल पे आप यहाँ पर परचेज कर सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं और एक्सचेंज कर सकते हैं, और CX एक्सचेंज पर भी इसको यहाँ पर इन्होंने जो है लिस्ट कर दिया है, जो कि EX एक्सचेंज पर भी इन्होंने इसको लिस्ट कर दिया है, और पिंक सेल है, पिंक सेल पर भी आप इसको शेप कर सकते हैं और यहाँ पर अपने कॉइन को कन्वर्ट कर सकते हैं USDT के अंदर। अब दोस्तों, इसकी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं थोड़ी सी, जैसे कि कोई न्यू फ्रेंड है अगर वो ज्वाइन होना चाहता है तो हो सकता है दोस्तों, क्योंकि आपको यहाँ पर 40 एयरड्रॉप क्लेम करने का मौका मिलता है। और दोस्तों, आप यहाँ पर क्लेम करेंगे तो आपको एक कंडीशन यहाँ पर लगती है कि आपका बायनांस में अकाउंट होना चाहिए, और बायनांस का ये एड्रेस लेते हैं और बायनांस की ID पे ID यहाँ पर आपको लगती है। तो इसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हमने पिछली वीडियो में आपको गाइड किया था, लिंक आपको वीडियो के बायो में मिल जाएगा। आप उसको देखने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे और अपना यहाँ पर आप टास्क को कंप्लीट करेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे कि इन्होंने जो लिस्टिंग की अपडेट है वो यहाँ पर भी चला रखी है, ठीक है। अब थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इनका स्टॉक पीरियड का सिस्टम है, जो कि 3% आपको रिवार्ड मिलता है यहाँ पर आपके स्टॉक करने का। तो दोस्तों, जो यहाँ पर जेन्युइन ऐप होते हैं तो वो आपको कम ही स्टॉक करने का रिवार्ड देते हैं, वो 200-300 आपको नहीं प्रोवाइड करते हैं, और ये 3% यहाँ पर ये इशारा कर रहा है कि ये कुछ कहीं ना कहीं कुछ किसी कदर ये जेन्युइन है, ठीक है। क्योंकि आपको जो स्टॉक करने का अमाउंट कम मिलता है तो जेन्युइन ऐप ही यहाँ पर आपको बहुत ही कम, या तो 2% 3% या फिर 1% आपको देती है। तो ये 3% आपको दे रहे हैं तो बहुत ही ठीक है, यहाँ पर किसी कदर ठीक ही यहाँ पर आपको रिवार्ड दे रहे हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो रेफर टीम वगैरह है, रेफर प्रोग्राम है, उसके बारे में एक इंटरफेस इन्होंने दिया है, ठीक है, इसके बारे में आप ज़्यादा समझ सकते हैं। अब दोस्तों, थोड़ा सा नीचे करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इनका जो कॉइन है वो इकोसिस्टम में कितना जाएगा, और टीम में कितना जाएगा, और यहाँ पर लिस्टिंग में कितना जाएगा, मार्केटिंग में, और इनके जो प्राइवेट सेल है उसमें 50% प्राइवेट सेल में रखेंगे। तो इसकी बहुत ही कम इन्होंने माइनिंग रखी है दोस्तों, और बहुत जल्द इसकी माइनिंग कम्प्लीट हो जाएगी। अब दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन जाएंगे तो आपको बहुत कुछ रोड मैप वगैरह इनका मिल जाएगा, इनके रोड मैप के जरिए से भी आप इसके बारे में ज़्यादा समझ सकते हो। अब दोस्तों, यहाँ पर आपका एक वॉलेट है, जो कि मैं वॉलेट पर अगर क्लिक करता हूं तो ये वॉलेट आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। अब कितने यहां पर आपके गिफ्ट हो चुके हैं, यानी कि कितने टोकन आपके यहां पर हो चुके हैं, आप यहां पर देखेंगे कि 6 USDT हमारे पास यहां पर हो चुकी है। अब कॉइन आपको ऊपर में दिख रहा होगा। अब दोस्तों, यहां पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप इसको सेल कर सकते हैं एंड आप इसको स्टॉक कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं स्क्रॉल डाउन करके एंड यहाँ पर एक और इन्होंने इंटरफेस दे रखा है, यानी कि होम का बटन, ठीक है, कोटली का आइकन है और ये होम का बटन है। तो दोस्तों, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी माइनिंग आ जाएगी। जब आपकी माइनिंग यहाँ पर आएगी तो आपको जो है यहाँ पर आपको फ्री के कॉइन मिलेंगे, उनको स्टॉक करना पड़ता है। अगर आप यहाँ पर मतलब डिपॉजिट भी नहीं करते हो तो दोस्तों, आप यहाँ पर फ्री के टोकन ही स्टॉक करके एक रिवार्ड को अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मेरे पास जो है वो 106 कॉइन है, तो इनको मैं स्टार्ट करूंगा 15 दिन के लिए, तो मेरी जो माइनिंग है वो स्टार्ट यहाँ पर हो जाएगी। आप यहाँ पर देखेंगे मेरी माइनिंग फिर से स्टार्ट हो चुकी है, और फिर से 15 दिन के बाद आपको यहाँ पर स्टॉक पे अपने कॉइन को लगाना पड़ता है, और 15 दिन तक आपको कुछ भी नहीं करना होता है, आपकी माइनिंग कंटिन्यू चलती रहती है। 15 दिन के बाद आपकी माइनिंग यहाँ पर यानी कि अनस्टॉक हो जाएगी, और फिर से आपको स्टॉक पीरियड पर रखना पड़ेगा। अब दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे एक और इन्होंने DeFi का यहाँ पर बटन दे रखा है, तो DeFi में इन्होंने यहाँ पर कुछ चीज़ें दे रखी है और कुछ रिवार्ड आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जो यहाँ पर रेडी जो DeFi हो चुकी है वो यहाँ पर ये हो चुकी है कि ये भी अभी कमिंग सोन में, अब ये दो रेडी है यहाँ पर ये दिखा रहे हैं, तो ये भी यहाँ पर अभी कमिंग सोन में, एंड इसके बहुत ज़्यादा टास्क जो है वो अब आने वाले हैं। तो दोस्तों, जब आपकी यहाँ पर रैंक होती रहेगी, ठीक है, रैंक होती रहेगी तो आपको यहाँ पर कुछ लेवल मिलेंगे, जो कि लेवल मिलेंगे तो आपको रिवार्ड भी यहाँ पर दिए जाएंगे, ठीक है।
22 लेवल आपका कंप्लीट होगा तो आपको ये मिलेगा, और दोस्तों आप 35 लेवल आपका कंप्लीट होगा तो 29 होगा तो यहाँ पर आपको ये मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पर आपको लेवल जो है वो अचीव भी करने होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो रेफर ज़्यादा करेंगे और ज़्यादा कॉइन अर्न करेंगे, और अर्न करने के बाद अनलॉक ज़्यादा कॉइन होंगे उन्हीं को लॉक पीरियड पर रखेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आप अगर डिपॉजिट करना चाहते हो तो 1 USDT के बारे में आप यहाँ पर सोच सकते हो। अब दोस्तों एक और यहाँ पर एक सेक्शन है जो कि आपकी पर्सनल सेटिंग का है दोस्तों। अब इसमें पर्सनल सेटिंग में आपका जो वॉलेट है वो रहेगा, वॉलेट रहने के बाद जब आप विड्रॉल करेंगे तो यहाँ से आपका विड्रॉल होने वाला है आपके डायरेक्ट बैंक यानी कि डायरेक्ट आपके बायनांस अकाउंट में। तो दोस्तों इस पर जो भी यहाँ पर अपडेट आगे या नेक्स्ट टाइम आती रहेगी हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे इसी तरह से। अब दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, अगर इसको लेकर कोई डाउट आपके मन में है या कोई सवाल चल रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, अगर अपडेट पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक अपना ध्यान रखिएगा।